हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं, जिसका आप काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे और काफी लोगों की जो है क्वेरीज भी आ रही थी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका नीट यूजी 2021 की जो काउंसलिंग हुई थी, तो उसमें जो आपसे सिक्योरिटी फीस ली गई थी तो उसका जो रिफंड का इश्यू था उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज जो है 4 जून 2022 को जो है ऑफिशियल नोटिस एमसीसी की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। तो आप यहां पर ये देख सकते हो, मैंने अपने स्क्रीन पर इसको ओपन कर रखा है। आप एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस नोटिस को डाउनलोड भी कर सकते हो खुद से। ठीक है, तो ये मैंने वहीं से डाउनलोड करा है और डेट आप देख सकते हो, आज ही की डेट है यहां पर 4 जून 2022। तो नोटिस में यहां पर लिखा हुआ है काइंड अटेंशन टू ऑल कैंडिडेट्स रिगार्डिंग रिफंड ऑफ यूजी काउंसलिंग 2021। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। इट इज फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन द यूजी काउंसलिंग 2021 दैट द रिफंड प्रोसेस ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ यूजी काउंसलिंग 2021 इज गोइंग टू कमेंस फ्रॉम 10/6/2022 एंड विल बी कंप्लीटेड बाय 26/2020। ठीक है, 2022। ठीक है, फ्रॉम द ऑफिस ऑफ HLL विच द फाइनेंशियल कस्टोडियन ऑफ MCC। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने लिखा है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं सिक्योरिटी फीस के रिफंड के लिए, यानी कि एलिजिबल का मतलब ये है, एलिजिबिलिटी मैंने पहले ही बताई थी कि जो मतलब रिफंड है वो किस किस को होगा, आप सभी को पता भी होगा कि आपको रिफंड होना है या नहीं होना है। ठीक है, जैसे कि या तो आपका ऐसा केस रहा कि आपको किसी भी राउंड में सीट नहीं मिली, या फिर जो है मतलब आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कराई उसके बाद आपने ड्रॉप ले लिया, फिर पार्टिसिपेट नहीं करा, तो जो भी आपके सिनेरियोस थे उस टाइम पे, जो भी मतलब एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे जिनको रिफंड मिलना है, तो उसके बारे में यहां पर लिखा गया है कि आपका जो रिफंड है 10/6/2022 यानी कि 10 जून से जो है स्टार्ट हो जाएगा आपके बैंक में डिपॉजिट होना। ठीक है, और 20 तारीख तक जो है, 20 जून तक जो है इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो HLL जो है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इनकी फाइनेंशियल कस्टोडियन है, यानी कि जो MCC का फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट है वो HLL के अंडर है, तो वही ये सारी चीजें जो है कंडक्ट करेंगे, इसका जो प्रोसेस है। ठीक है, तो 10 जून से लेकर 20 जून तक जो है आपका रिफंड का प्रोसेस चलेगा। और इसमें एक चीज मैं ये बता दूं कि आपका जो रिफंड है वो उसी बैंक अकाउंट में आएगा जिस बैंक अकाउंट से आपने अपनी सिक्योरिटी फीस पे करी थी। ठीक है, तो आई थिंक मतलब जो 10,000 रुपीज जो थी सिक्योरिटी फीस और बाकी जो 2 लाख रुपीज थी डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए, तो जो भी आपकी सिक्योरिटी फीस है वो आपकी 20 जून तक आपको रिफंड कर दी जाएगी। क्लियर है, यहां पर लिखा है हेंस द कैंडिडेट मस्ट कीप देयर कार्ड और बैंक अकाउंट एक्टिव टिल रिफंड प्रोसेस इज कंप्लीटेड। इफ कार्ड और बैंक अकाउंट इज क्लोज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिफंड द बैंकर्स विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द रिफंड प्रोसेस सिंस बैंकर्स विल टेक लॉन्ग टाइम टू आइडेंटिफाई एंड रिटर्न द फेल्ड रिफंड्स टू फाइनेंशियल कस्टोडियन एंड लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड फॉर इनिशिएटिंग रिफंड टू डिफरेंट बैंक अकाउंट रिफंड टू न्यू बैंक अकाउंट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम नाइदर फाइनेंशियल कस्टोडियन नॉर MCC विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डिले। ठीक है, तो यहां पर एक चीज इन्होंने क्लियर करी है कि जिस भी बैंक अकाउंट से आपकी पेमेंट डेबिट हुई थी, जो आपने सिक्योरिटी फीस पे करी थी MCC को नीट यूजी 2021 की काउंसलिंग की, तो वो वाला जो बैंक अकाउंट है आपको तब तक एक्टिव रखना है जब तक आपका रिफंड प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर आप सपोज उससे पहले उस बैंक अकाउंट को बंद करवा देते हो गलती से या बंद करवा चुके हो, तो क्या होगा कि आपका रिफंड तो होगा लेकिन आपको जो है अपनी सारी डिटेल्स वगैरह शेयर करनी पड़ेगी, तो उसके कारण जो है काफी ज्यादा टाइम होगा और काफी ज्यादा डिले होगा। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तो MCC लेता है ना ही HLL लेता है। क्लियर है, फिर यहां पर लिखा है कि प्लीज कॉन्टेक्ट फाइनेंस MCC@lifecarehll.com फॉर एनी रिफंड रिलेटेड क्वेरीज। ठीक है, तो अगर आपकी कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरीज हैं तो आप इस ईमेल आईडी पर अपना कंसर्न जो है वो भेज सकते हैं। डायरेक्ट क्वेरीज टू MCC रिगार्डिंग रिफंड और पेमेंट विल नॉट बी एंटरटेन। ठीक है, तो MCC को डायरेक्टली मेल नहीं करना, रिफंड का जो इश्यू है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएगा और फाइनेंस डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी यहां पर दी गई है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ही इस चीज को डील करेगा। ठीक है, और नोटिस पोस्टेड ऑन ये 4 जून 2022 आज की डेट यहां पर लिखी हुई है। क्लियर है, तो आपको क्या है अपना बैंक अकाउंट या जो भी चीजें हैं बैंक से रिलेटेड, उस अकाउंट से रिलेटेड वो आपको क्लोज नहीं करनी जब तक आपका रिफंड प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। इन केस आपने गलती से ऐसा कुछ कर दिया या आपका अकाउंट बंद हो चुका है तो प्लीज उसको रिवाइव करवाइए। उस अगर मतलब गलती से बंद हो गया या एक्टिव नहीं है
तो अपने बैंक में जाके उसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, अपने अकाउंट को एक्टिव करिए, क्लियर है। और गलती से आपने बंद वगैरह अगर कर दिया तो आप फिर अपनी क्वेरीज जो है कि मैंने अपना बैंक अकाउंट बंद कर दिया है, तो ऐसा जो भी आपका मतलब सिनेरियो है वो आप अपना कंसर्न जो है वो एमसीसी को भेज सकते हैं, जो यहां पर अभी ईमेल आईडी दी गई थी, क्लियर है, उस पर आप उसको सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये अभी तक की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आपकी नीट यूजी 2021 काउंसलिंग के रिफंड से रिलेटेड, क्लियर है। तो 10 जून से आपका रिफंड आना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली ऐसा आप मत सोचना कि 10 जून को ही आएगा मेरा, आपका कभी भी आ सकता है 10 से 20 जून की, क्योंकि जब ये 10 जून को पहला अपना जो स्लॉट होगा इनका, ठीक है, जो लॉट होगा मतलब जिस की मतलब इतने कैंडिडेट्स का आज हमको रिफंड रिलीज करना है, तो 3 से 4 दिन जो है मिनिमम टाइम लगता है। तो सपोज अगर 10 तारीख को अगर एक लॉट का जो है वो एक जो बैच होगा स्टूडेंट्स का उनका जब ये रिफंड रिलीज करेंगे तो आप ये सोच सकते हो कि 13 या 14 या 15 डेट तक जो आपका रिफंड आएगा, ठीक है। तो कम से कम आपको 15 तारीख तक का वेट करना है, और तब नहीं आता तब आप पूछ सकते हो। बाकी जो प्रोसेस है वो आपकी 20 तारीख तक चलेगी, ठीक है। तो 20 तारीख तक कोई ऐसा कैंडिडेट रह जाता है जिसका रिफंड नहीं आया तो वो 21 को जो है इसी ईमेल आईडी पे डायरेक्ट अपना कंसर्न सेंड कर सकता है, क्लियर है। बाकी इससे रिलेटेड और भी कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, क्लियर है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, इनकेस इससे रिलेटेड और भी कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा तो उसके बारे में मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।